हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल चना मसाला। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चना मसाला बनाने के लिए मैंने 1 कप चने को रात भर भिगो के रखा था और उसे मैंने कुकर में उबाल लिया है नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के। आप इसे कुकर में कम से कम 4 सीटी लगने तक पकने दें मीडियम फ्लेम में। चना आपका अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर गल जाएगा। चने को उबालने के लिए आपने जितना चना लिया उसका 2 टाइम्स पानी लें। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1 सूखी लाल मिर्च और 1 मीडियम साइज का टमाटर का हम पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। अब एक कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लें और इसमें तेल डाल दें। तेल का अमाउंट हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रखेंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दें। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें 1 तेज़पत्ता डाल दें, लौंग, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची डालकर इसे तेल में कुछ मिनट के लिए फ्राई कर लें। यह फ्राई हो चुका है, अब इसमें हमने जो प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बनाया था उसे डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब इसे कवर कर दें और इसे मीडियम फ्लेम में आप कवर करके 5 से 7 मिनट तक पकने दें ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह से चला जाए। लगभग 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है, इसे हम मिला लेते हैं। अब इसे बिना कवर किए कुछ मिनट के लिए आप लगातार मिलाते हुए फ्राई कर लें। लगभग 2 मिनट फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम ड्राई मसाला डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए, 1/2 चम्मच हल्दी और लगभग 2 चम्मच चना मसाला डाल दें। नमक स्वाद अनुसार डालें, बट ध्यान रखें क्योंकि हमने चना उबालने में भी नमक डाला है तो थोड़ा हिसाब से डालें। इसे अच्छी तरह से मिला लें। मसाला अच्छी तरह से मिल चुका है, अब इसे कवर कर दें और लो फ्लेम में इसे 10 मिनट तक पकने दें। बट ध्यान रखें आप बीच में ज़रूर मिला लें। लगभग 10 मिनट कम्प्लीट हो चुका है, इसे हम मिला लेते हैं। मैंने बीच में भी एक बार इसे मिलाया था, अब देख सकते हो मसाला से तेल छोड़ने लग गया। अब इसका फ्लेम मीडियम कर दे और मीडियम फ्लेम में इसे 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई कर ले बिना कवर किए हुए। आप देख सकते हो मसाला इजीली कढ़ाई को छोड़ने लग गया है, मतलब मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम गला हुआ चना डालेंगे जो हमने स्टार्टिंग में गला के रखा था। अब इसे अच्छी तरह से मिला लें। आप चाहे तो इसमें एक्स्ट्रा पानी और ऊपर से ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी इसमें डालें। अब इसे कवर कर दें और मीडियम फ्लेम में इसे 5 मिनट तक उबलने दें। लगभग 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है, इसे हम मिला लेते हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लें। और ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए हम यहाँ पे थोड़े से छोले को एक कटोरे में निकाल लेंगे और उसे अच्छी तरह से मैश करके आप इसमें मिला दें, जिससे आपका छोले का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और आपकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी। ये अच्छी तरह से मिल चुका है, 2 मिनट इसे पकने दें और इसका फ्लेम बंद कर दें और इसे कवर करके आप 5 मिनट तक ठंडा होने दें, उसके बाद सर्व करें। आप देख सकते हो चना मसाला हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है, अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे पराठा, पूड़ी या राइस के साथ सर्व करें, आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।